इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कूलिंग सिस्टम के बारे में। कूलिंग सिस्टम जो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ हो रहे हैं, इंजन्स में यूज़ हो रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शंस, कूलिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है लगाने का इंजन में लगाने के लिए, और टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम और वर्किंग ऑफ द कूलिंग सिस्टम्स, जो वर्किंग है जितना भी टाइप्स का उसको डिस्कस करेंगे, और पार्ट्स भी वाटर कूलिंग सिस्टम का जो पार्ट्स है, मेन पार्ट्स है, उसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, व्हाई इट इज नेसेसरी ऑफ कूलिंग सिस्टम इन इंटरनल कंबसन इंजन। इंटरनल कंबसन इंजन्स में कूलिंग सिस्टम का ज़रूरत क्या है? तो दिस आर द रीजंस, ये कूलिंग सिस्टम जो इंजन के अंदर इंटरनल कंबसन इंजन्स में लगाने के लिए जो ज़रूरत है, या तो फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर, जो बर्निंग गैसेस का जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाते हैं आपका 1500 टू 2000 डिग्री सेल्सियस, जो कि अबव द मेल्टिंग पॉइंट है। सिलेंडर का जो भी कंपोनेंट्स हम लोग सिलेंडर में यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका ऊपर चला जाते हैं, जो टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रहे हैं बर्निंग गैसेस का 1500 से लेके 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे प्लेटिनम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1750 डिग्री सेल्सियस हो गया। उसके बाद आयरन को हो गया 1530 डिग्री सेल्सियस, एल्यूमिनियम को हो गया 657 डिग्री सेल्सियस। तो जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे कितना टेम्परेचर आपका सेल्सियस तक पहुंच जाता है, 2000 तक। तो हम लोग उस हीट को नहीं रिमूव नहीं करेंगे तो जितना भी मटेरियल्स है वो सब डैमेज हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, मेरा जो इंजन है वो फेल हो जाएंगे, है ना, रिजल्ट इन फेलियर, जो भी मटेरियल वो फेल हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो ये पहला कारण है, पहला नेसेसिटी है। उसके बाद नेक्स्ट, जो हाई टेम्परेचर के कारण जो लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल्म बना था जर्नल बेयरिंग में और लाइनर के बीच, पिस्टन सिलेंडर के बीच, तो सब क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो उससे जो भी हीट जनरेट हो रहा था, हाई टेम्परेचर हो गया, तो इंजन क्या होगा, सीजर हो जाएंगे, इंजन विल सीज, इंजन अभी काम नहीं करेंगे, पिस्टन काम नहीं करेंगे अभी। तो दैट इज़ व्हाई कूलिंग सिस्टम इज नेसेसरी ड्यू टू ओवरहीटिंग। नेक्स्ट, ड्यू टू ओवरहीटिंग के कारण इंजन का जो मटेरियल, जो कंपोनेंट्स है वो सब डैमेज हो जाएंगे, मतलब कंपोनेंट जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, है ना, शेप जो है बदल जाएगा उसका, जो शेप पहला जो नॉर्मल शेप था उससे ओवरहीटिंग के कारण जो शेप है वो बदल जाएगा। तो इसलिए कूलिंग सिस्टम ज़रूरत है। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ कूलिंग सिस्टम में लिखा है मैंने, रिमूव एक्सेस हीट फ्रॉम द इंजन। तो उससे हम लोग मालूम चल रहे हैं कूलिंग सिस्टम का काम क्या है, एक्सेस हीट को निकालना है खास इंजन के अंदर से, इंटरनल कंबसन इंजन से एक्सेस जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको रिमूव करना है। और कूलिंग सिस्टम का दूसरा फंक्शन क्या है, इंजन का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखना है फॉर इफिशियंट वर्किंग। क्या है, एक्सेस हीट को रिमूव करना है, और नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है फॉर व्हाट पर्पस, फॉर इफिशियंट वर्किंग। दो, ये दो मेन फंक्शंस है आपका कूलिंग सिस्टम का। तो इन हम लोग जानते हैं इंटरनल कंबसन इंजन में ओनली 20% टू 25% जो हीट है मैकेनिकल वर्क में यूज़ कर सकते हैं, बाकी जो हीट है वो रिमूव हो जाते हैं, एग्जॉस्ट गैस के साथ भी निकल जाते हैं, और फ्रिक्शन में भी लॉस हो जाते हैं। जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा था उसमें से हम लोग मैकेनिकल वर्क में ओनली 20% टू 25% यूज़ कर सकते हैं। जो कूलिंग सिस्टम जो रिमूव कर रहे हैं जो हीट है, 30% टू 35% हीट रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम का दो टाइप्स हैं आपका, एयर कूलिंग सिस्टम एंड लिक्विड कूलिंग सिस्टम। तो पहले जानेंगे एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में। एयर कूलिंग सिस्टम यूज़ होते हैं आपका टू व्हीलर्स इंजन्स में, थ्री व्हीलर्स इंजन्स में भी यूज़ होते हैं, और स्मॉल कार्स में भी यूज़ होते हैं, और एरोप्लेन्स में भी यूज़ होते हैं, स्मॉल स्टेशनरी इंजन्स में भी यूज़ होते हैं। यहाँ पे जो हीट है वो सिलेंडर से हीट को कैसे रिमूव किया जाता है, डायरेक्टली हम लोग उसको रिलीज कर देते हैं, एयर अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, एयर को रिलीज कर देते हैं। इंजन का अंदर जो टेम्परेचर है वो हाई है, बाहर का टेम्परेचर लो है, तो
ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, हीट जो है ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये यहाँ पे आपका जो मेटल फिन्स है उसको क्या कर देते हैं, कास्ट किया जाता है। मेटल फिन्स सिलेंडर का बाहर, सिलेंडर का आउटसाइड में कास्ट किया जाता है और सिलेंडर के हेड्स में भी कास्ट किया जाता है। फॉर व्हाट पर्पस, जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, कॉन्टेक्ट एरिया जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा आपका जो हीट रिलीज है वो ज़्यादा होगा, हीट रिलीज जो है ज़्यादा होगा। ठीक है, मल्टी सिलेंडर्स इंजन्स में फैन भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एयर को और भी ज़्यादा खींच, और भी ज़्यादा और फ्लो करने के लिए, है ना, इंजन का तरफ और भी ज़्यादा एयर को फ्लो करने के लिए। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपका मेटल फिन्स, दिस आर मेटल फिन्स जो कि कास्ट किया जाता है जब सिलेंडर बनाया जाता है, तो जब इंजन बनाया जाता है तो यहाँ पे मेटल फिन्स को कास्ट किया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है आपका जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाता है ना, और कॉन्टेक्ट एरिया आर इंक्रीज जो। ठीक है, तो एयर फ्लो देखो यहाँ पे डायग्राम में, एयर फ्लो जो है वो स्ट्रीम ऑफ फ्लो होते हैं, और फ्लो होने के बाद ही आपका जो सरफेस है वहाँ से हीट को, अपने हीट को क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं फ्रॉम द सरफेस। अभी एयर का एयर में ट्रांसफ़र हो गया तो हीट जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं कहाँ पे, एयर में। तो दिस इज़ हाउ एयर कूलिंग सिस्टम वर्क्स। क्लियर, नेक्स्ट वाटर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम में फर्स्ट टाइप्स आपका ओपन टाइप कूलिंग सिस्टम होगा, जिसमें से वेस्ट वाटर सिस्टम आएंगे और रिसर्कुलेटेड वाटर सिस्टम आएंगे। क्लोज टाइप कूलिंग सिस्टम भी आएंगे और थर्मोसिफन सिस्टम, लास्ट वन इज पम्प सर्कुलेशन सिस्टम। दिस आर द फोर टाइप्स, हम लोग उसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज ओपन टाइप कूलिंग सिस्टम। ओपन टाइप कूलिंग सिस्टम में क्या हो रहा है, यहाँ पे वेस्ट वाटर सिस्टम होगा और एक रिसर्कुलेटेड वाटर सिस्टम होगा। जो स्टोरेज टैंक से क्या करेंगे, जो वाटर था वो डायरेक्टली इंजन के अंदर जो फ्रेश वाटर था डायरेक्टली इंजन के अंदर सप्लाई करेंगे। कहाँ पे, इंजन के अंदर सप्लाई करेंगे और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसको हम लोग वेस्ट मतलब फेंक देंगे, हम लोग उसको रीयूज़ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, वेस्ट वाटर सिस्टम है ना। तो फिर से हम लोग भेज देंगे फ्रेश वाटर इंजन के अंदर, फिर से हीट को रिलीज एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर जैकेट से इंजन के अंदर से उसको फिर से हम लोग फेंक देंगे। तो ये सिस्टम है आपका वेस्ट वाटर सिस्टम। तो ये तो हो गया वेस्ट वाटर सिस्टम। दूसरा क्या है, जो इंजन का अंदर, जो भी इंजन का अंदर जो हम लोग वाटर को भेजेंगे एब्जॉर्ब करने के बाद, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसको हम लोग, इसको हमने क्या किया, उसको फिर से कूलिंग टावर में भेज दिया कूल करने के लिए। कूल करने के बाद, कूलिंग टावर से कूल होने के बाद फिर से पंप क्या करेंगे, उसको इंजन का वाटर जैकेट्स में उसको भेज देंगे। मतलब क्या हो रहा है, रिसर्कुलेट हो रहा है। दैट इज़ व्हाट वाटर जो भी यूज़ किया था वाटर, वो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिसर्कुलेट हो रहा है इंजन का मतलब जो पानी, जो वाटर है वो उसको हम लोग फेंक नहीं रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं उसको कूल करके कूलिंग टावर में फिर से हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका रिसर्कुलेटेड वाटर सिस्टम। तो ओपन टाइप कूलिंग सिस्टम में क्या हो रहा है, एक वेस्ट वाटर सिस्टम हो गया और एक दूसरा रिसर्कुलेटेड वाटर सिस्टम। ठीक है, वेस्ट वाटर सिस्टम में क्या हो रहा है, इंजन के अंदर जो फ्रेश वाटर हम लोगों ने भेजे हैं उसको वो क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको हम लोग फेंक देते हैं। दूसरा में क्या हो रहा है, जो फ्रेश वाटर हम लोगों ने भेजा इंजन के अंदर उसको हम लोग क्या करेंगे, कूल करके फिर से यूज़ करेंगे, मतलब रिसर्कुलेटेड वाटर सिस्टम। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्लोज टाइप कूलिंग सिस्टम। क्लोज टाइप कूलिंग सिस्टम में क्या हो रहा है, जो हीट है, जो हॉट वाटर है उसको हम लोग उसको कूल किया जाता है कहाँ पे, हीट एक्सचेंजर पे, और उसको रिसर्कुलेटेड किया जाता है इंजन के अंदर से फिर से। मतलब ठीक है, इंजन के अंदर ही हो रहा है ये सब, बाहर में नहीं हो रहा है, इंजन के अंदर ही हो रहा है ना। इंजन का मतलब जो सिस्टम है वो लगाया गया है, इंजन के पास ही लगाया गया है। ठीक है, तो इसलिए आपका क्लोज टाइप कूलिंग सिस्टम बुलाया जाए। जो हॉट वाटर है क्या कर रहे हैं, हीट क्या कर रहा है, उसको कूल किया जाता है कहाँ पे, हीट एक्सचेंजर पे, और उसको रिसर्कुलेटेड किया जाता है। तो फर्स्ट टाइप इस यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर यूज़ किया जाता है, एक रेडिएटर और एक वाटर टू वाटर हीट एक्सचेंजर। तो रेडिएटर टाइप्स में क्या हो रहा है, रेडिएटर में जो हीट है, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद
जो हॉट वाटर है वो एब्जॉर्ब करने के बाद, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद रेडिएटर में आ जाते हैं, और रेडिएटर से उस जो हॉट वाटर का जो हीट था वो रिलीज़ किया जाता है एयर को। ठीक है, समझ में आया क्या कर रहे हैं? मतलब मैं क्या बोला, इंजन का अंदर से और जो वाटर है वो निकल आएंगे, है ना, रेडिएटर में जाके पहुँच जाएगा वो। रेडिएटर में जाने के बाद जो हॉट वाटर है वो अभी हीट को रिलीज़ कर देंगे, कहाँ पे, एयर पे। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहे हैं, इन वाटर टू वाटर हीट एक्सचेंजर क्या यूज़ करेंगे हम लोग, जो इंजन के अंदर जो कूलेंट भेजा था, जो वाटर भेजा था, वो अभी कहाँ पे जाएंगे, ही वाटर टू वाटर हीट एक्सचेंजर में जाएंगे, उसको सेकेंडरी वाटर यूज़ करेंगे, सेकेंडरी वेस्ट वाटर यूज़ करेंगे जो हॉट वाटर था उसको कूल करने के लिए। ठीक है, जो वेस्ट सेकेंडरी वेस्ट वाटर इज़ यूज फॉर कूलिंग द हॉट वाटर। ठीक है, मतलब जो हॉट वाटर है उसको बार बार कूल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सेकेंडरी वेस्ट वाटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा वाटर टू वाटर हीट एक्सचेंजर, वाटर टू एयर हीट एक्सचेंजर एंड वाटर टू वाटर हीट एक्सचेंजर विथ सेकेंडरी वेस्ट वाटर सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इंजन का अंदर, इंजन का अंदर क्या भेजेंगे, एक वाट कूलेंट भेजेंगे विद हेल्प ऑफ दिस पंप। पंप क्या करेंगे, उसको सर्कुलेट करेंगे इंजन का अंदर। सर्कुलेट करने के बाद जो हीट है वो एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, वो रेडिएटर में चला जाएंगे, जो हॉट वाटर है वो रेडिएटर में चला जाएंगे। यहाँ पे ट्यूब्स होते हैं, उस ट्यूब्स में फ्लो होते ही जो हीट था हॉट वाटर का अंदर से वो रिलीज़ करेंगे एयर का, एयर में। ठीक है, ये तो हो गया आपका वाटर टू एयर हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट, वाटर टू वाटर हीट एक्सचेंजर विथ सेकेंडरी वाटर सिस्टम। पम्प क्या करेंगे, पम्प कूलेंट को भेजेंगे इंजन का अंदर, वाटर जैकेट्स में भेजेंगे, और हॉट वाटर अभी क्या हो गया, हीट एब्जॉर्ब हो गया, अभी बाहर निकल आएंगे हॉट वाटर। हॉट वाटर को कहाँ पे भेज देते हैं, हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर में भेजने के बाद यहाँ पे हम लोग जो हॉट वाटर है उसको कूल करने के लिए एक सेकेंडरी वेस्ट वाटर यूज़ होते हैं, सेकेंडरी वेस्ट वाटर भेज देते हैं यहाँ पे। तो हॉट वाटर है, हॉट वाटर से हीट को कहाँ पे रिलीज करेंगे, अभी जो हम लोग ने सेकेंडरी वाटर भेजा था उसमें हम लोग, उसमें हीट जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, उसको वेस्ट किया जाता है। फिर से पम्प क्या करेंगे, एक फ्रेश, फिर से हम लोग जो वाटर है वो कूल होने के बाद अभी इंजन के अंदर भेज देते हैं। उसके बाद फिर से वो हॉट वाटर निकल आएगा और हीट एक्सचेंजर में आएंगे, और फिर से वहाँ से एक सेकेंडरी वाटर, वेस्ट वाटर भेजेंगे, है ना, नया नया सेकेंडरी वाटर, न्यू सेकेंडरी वाटर, और जो हीट था हॉट वाटर से वो रिलीज़ कर देंगे कहाँ पे, सेकेंडरी वेस्ट वाटर में, और जाके वेस्ट हो जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ क्लोज टाइप कूलिंग सिस्टम वर्क्स। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, थर्मोसिफोन कूलिंग सिस्टम। थर्मोसिफोन कूलिंग सिस्टम में क्या होते हैं, यहाँ पे एक रेडिएटर को इंजन का लेवल के ऊपर से, इंजन का लेवल के ऊपर लगाया जाते हैं। रेडिएटर इज प्लेस एट ए हायर लेवल। रेडिएटर को कहाँ पे लगाया जाता है, इंजन का जो लेवल है उसके ऊपर ही लगाया जाता है, हायर लेवल में। क्यों, फॉर इजी फ्लो ऑफ वाटर टुवर्ड्स द इंजन। जो वाटर है उसको इजी फ्लो के लिए इंजन का लेवल का ऊपर से हाई लेवल में लगाया जाता है रेडिएटर को। कैसे वर्क करते हैं, जो वाटर है ना, जो वाटर है, जो कोल्ड वाटर है उसका डेंसिटी क्या होता है आपका, डेंसिटी, जो डेंसिटी हाई होते हैं, है ना, और लाइट, जो हॉट वाटर है उसका डेंसिटी क्या होता है, कम होते हैं, लाइट होते हैं, है ना। तो जो हॉट वाटर है, वाटर जैकेट्स में जो हॉट वाटर है वो यहाँ पे वाटर जैकेट्स में क्या हो जाते हैं, वो लाइट बन जाते हैं, उसका डेंसिटी जो है कम हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, एक्सपान हो जाते हैं हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद। उसमें से क्या होता है, जो वाटर है वो कहाँ पे चला जाता है, टू द टॉप ऑफ द रेडिएटर, रेडिएटर के ऊपर टॉप में चला जाते हैं, है ना। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद जो हो, जो हॉट वाटर है वो एक्सपान हो जाते हैं, जो वाटर है वो एक्सपान हो जाते हैं और रेडिएटर का टॉप हिस्सा में, टॉप पोजिशन में चला जाता है, जो कि हेडर टैंक है, है ना। अभी क्या हो गया, जैकेट्स जो है फ्री हो गया, नाउ जैकेट्स आर फ्री, यहाँ पे खाली है, है ना। तो अभी जो कोल्ड वाटर है वो, उसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो हेवी, जो कोल्ड वाटर है वो अभी सिलेंडर जैकेट जो है उसको फिल अप कर देंगे, है ना। हॉट वाटर निकल जाएंगे और कोल्ड वाटर फिर से वाटर जैकेट्स को फिल अप कर देंगे। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो कोल्ड वाटर है बॉटम टैंक से रेडिएटर के अंदर, जो वाटर जैकेट्स है उसका जगह में फिल अप हो जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हीट है, हीट है एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से कोल्ड वाटर क्या करेंगे, लाइट हो जाएगा, है ना, एक्सपान हो जाएंगे, उसका डेंसिटी
डिक्रीज हो जाए, उसका डेंसिटी जो है डिक्रीज होगा, है ना, डेंसिटी जो है कम हो जाएगा, तो वो लाइट हो जाता है, उससे क्या होता है जो वो ऊपर चला जाता है, रेडिएटर का टॉप टैंक में चला जाता है, हेडर टैंक में, ठीक है। तो उस हेडर टैंक में जाने के बाद वो ट्यूब्स में फ्लो होते हैं कूलेंट को कूल करने के लिए। यहाँ पे आपका एयर आएंगे हॉट वाटर से, एयर को हॉट वाटर से क्या करेंगे, हीट को रिलीज़ करेंगे, हीट रिलीज़ कर देगा एयर पे, है ना, एयर पे हीट को रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एयर फ्लो हो रहा है ना, तो हॉट वाटर से क्या करेंगे, हीट रिलीज़ कर देंगे, कहाँ पे, एयर पे रिलीज़ कर देंगे। तो ये रेडिएटर का फंक्शन सेम ही है, अलग अलग नहीं है, रेडिएटर एक ही पार्ट से, ठीक है। तो वर्किंग जो है ये आपका ऐसे हो रहा है, थर्मोसिफन कूलिंग सिस्टम, थर्मोसिफन वाटर कूलिंग सिस्टम में, क्लियर। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा वाटर जैकेट सिलेंडर के अंदर, ये जो सिलेंडर है ये होस पाइप है कनेक्ट करने के लिए, रेडिएटर का टॉप टैंक और यहाँ पे जो इंजन है, जो रास्ता है, जो होस पाइप है उसे कनेक्ट किया गया। यहाँ पे भी बॉटम टैंक हो गया, होस पाइप है, और हेडर टैंक हो गया, और फिलर कूलेंट को यहाँ से फिलअप करने के लिए, है ना। ये हो गया आपका थर्मोसिफन कूलिंग सिस्टम। नेक्स्ट पंप सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम, जो कि ऑटोमोटिव इंजन में यूज़ होते हैं, है ना। ऑटोमोटिव इंजन में भी आपका पंप थर्मोसिफन भी यूज़ होते हैं, और अभी जो नया डिजाइन जो इंजन से ऑलमोस्ट ऑल इंजन में आपका पंप सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। डिफरेंस क्या है इसमें, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, थर्मोसिफन और पंप सर्कुलेशन में डिफरेंस क्या है, सिमिलर है लेकिन एक्सेप्ट बट यहाँ पे पंप यूज़ होते हैं। क्या यूज़ हो रहा है आपका, पंप, वाटर पंप इज़ यूज। ये जो यहाँ पे आपका वाटर पंप दिख रहा होगा ये आपका यूज़ होते हैं, है ना, कूलेंट को जो भी वाटर है, कूलेंट बोल सकते हैं हम लोग, उसको सर्कुलेट करने के लिए, फोर्स करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वाटर पंप यूज़ करेंगे, ठीक है, वाटर यूज़ करेंगे। ना यूजेस ए सेंट्रीफ्यूगल पंप टू सर्कुलेट वाटर थ्रू वाटर जैकेट्स एंड रेडिएटर। तो यहाँ पे क्या, इस सिस्टम में क्या यूज़ करेंगे, वाटर पंप यूज़ करेंगे, वाटर पंप यूज़ करेंगे कूलेंट को फ्लो होने के लिए, कूलेंट को सर्कुलेट करने के लिए, कहाँ पे, वाटर जैकेट्स में और रेडिएटर में। तो यहाँ पे मेन पार्ट्स जो है वो एक बार देख लेते हैं। मेन पार्ट्स जो है आपका यहाँ पे वाटर जैकेट्स हो गया इंजन के अंदर, उसके बाद रेडिएटर हो गया, यहाँ पे रेडिएटर दिख रहे हैं आप लोग, दिस पार्ट इज़ नोन एज रेडिएटर। और नेक्स्ट है वाटर पम्प, यहाँ पे कूलेंट को सर्कुलेट करने के लिए इंजन के अंदर से, है ना। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट बल्ब, थर्मोस्टेट बल्ब यहाँ पे लगाया जाता है, और फैन जो कि यहाँ पे माउंट किया जाता है ना, फैन, दिस आर द मेन पार्ट्स ऑफ द वाटर कूलिंग सिस्टम, क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका टोटल डिस्क्रिप्शन के साथ, कैसे वर्क कर रहा है रेडिएटर, कैसे फंक्शन कर रहा है, वाटर पंप कैसे फंक्शन करते हैं, थर्मोस्टेट कैसे फंक्शन कर रहे हैं, फैन का यूज़ क्या है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टोटल इसका टोटल पार्ट्स, जो भी पार्ट्स है, मेन पार्ट्स है, उसका डिस्कस करेंगे। इस क्लास में, इस वीडियो में यही तक हम लोग एंड करेंगे। ओके, थैंक यू।